محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر آج شب شہادت امام علی زین العابدین آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. امام علی زین العابدین سید سجاد جو کربلا کے عظیم پیغامبر ہیں, محافظ کر امیر المومنین موجود تھے, آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امام سجاد کو اٹھایا اور فرمایا کہ میں اس بچے کو خدا کے راستے میں اپنی تحویل میں لیتا ہوں. اور پھر برابر 40 ہجری تک, جب تک مولا متقیان زندہ رہے,
मुसलसल सैयद सज्जाद को अपने हमराह रखते थे, यहाँ तक कि सीने पे सुलाते थे, साथ खिलाते थे। जब नमाज के लिए खड़े होते, शब में इबादत के लिए खड़े होते, तो आपकी जाय नमाज के साथ एक छोटा सा मुसल्ला बिछाया जाता इमाम सज्जाद के लिए। ये इमाम सज्जाद का बचपना है। 2 साल से ज़्यादा अपने जद्द बुजुर्गवार अपने दादा अली के साथ रहे। 9 साल इमाम हसन मुश्तबा के अहद इमामत में गुजारे। 11 साल पेदर बुजुर्गवार इमाम हुसैन के अहद इमामत में गुजारे। ये 22 साल नाएब इमाम की हैसियत से गुजारे। फिर 35 साल आपका अहद इमामत है। और इन 35 सालों में 5 से 6 हुक्मरानों के मुकाबले में आपने इस तरह से करबला को पहुंचाया, इस तरह से करबला की हिफाजत की कि अक्ल बशर फिक्र बशर हैरान है। सबसे पहले मरहले में आपकी इमामत के दौरान में जिस शख्स ने हुकूमत की, ये यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान इब्न हर्ब इब्न उमैया, जिसने 3 साल 8 महीने 14 दिन हुकूमत की। फिर 64 हिजरी में जब यजीद की पुर इसरार मौत हुई तो इसका बेटा मुआविया तानी बरसर इख्तदार आया। इसने 40 दिन हुकूमत की और फिर इसने अपने बाप दादा पे लानत की, हुकूमत से अलग हुआ। तो मरवान बिन हकम ने इसे जहर दिलवा कर रास्ते से हटाया। या फिर मरवान बिन हकम की हुकूमत शुरू हुई जिसने 9 महीने हुकूमत की और फिर इसकी बीवी ने अपनी कनीज़ों के साथ मिलकर रात जब ये सो रहा था इसके चेहरे पर तकिया रखा, सांस बंद हुई, मरवान बिन हकम की मौत हुई। ये 65 हिजरी के अवाइल में। और यहाँ से इसके सबसे बड़े बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत का आगाज़ हुआ, जिसने 86 हिजरी तक मुसलसल 22 साल हुकूमत की। 86 हिजरी में जब अब्दुल मलिक बिन मरवान की मौत हुई तो फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान का बड़ा बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ये परसर इख्तदार आया और इसने 86 हिजरी से लेकर 96 हिजरी तक हुकूमत की। और अपनी हुकूमत के आखिरी साल में यानी 95 हिजरी में मुहर्रम की 25 तारीख को इमाम अली ज़ैनुल्लाह अबिदीन सैयद सज्जाद को शहीद करवाया। ये इमाम की ज़िंदगी का इजमाली खाका। ये 35 साल इन हुक्मरानों के दौर में गुजारे। सबसे पहले मरहले में अगर मैं इमाम के औसाफ की तरफ इशारा करूँ, इल्म इमाम, मारिफत इमाम, अखलाक इमाम, इबादत इमाम, जूद व सखावत इमाम, इमाम की हयात तय्यबा का तबलीगी पहलू, इमाम की हयात तय्यबा का जिहादी पहलू, इमाम ने किस तरह से करबला को आगे बढ़ाया, फ़िक्र हुसैन को आगे पहुँचाया, कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इतनी पेचीदा हालत थी। 1 साल शाम की कैद गुजारी और शाम से पलटने के बाद 34 साल जो मदीना में रहे, इन 34 सालों में एक मरतबा आपको दोबारा कैद किया अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कुछ दिन के लिए, लेकिन जो बाकी के 34 साल हैं बज़ाहिर आज़ाद हैं लेकिन हकीकतन नज़रबंदी में गुजरे। इतने मुश्किल हालात थे कि मुश्किल हालात में अगर कोई शख्स आपको सलाम के लिए रुकता और हाल पूछता तो मदीने के गवर्नर ने जासूस इतने फैलाए हुए थे कि अगले मरहले में वो गवर्नर को ख़बर करते और उस शख्स को बुलाकर तफ्तीश की जाती कि बताओ तुम्हें हुसैन का बेटा अली क्या कह रहा था, तुमसे क्या बात कर रहा था। अब समझना है इन हालात में किस तरह से करबला को पहुंचाया, किस तरह से बनु उमैया की हकीकत को आश्कार किया कि इतनी मजबूत तरीन हुकूमत 100 साल पूरे नहीं कर सकी। और 40 हिजरी में जो हुकूमत शुरू हुई इस्लामी दुनिया में बनु उमैया की, ये 132 हिजरी में पहुंचकर 92 साल के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और इसके बाद फिर बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हुई जिन्होंने 656 हिजरी तक 524 साल हुकूमत की। सवाल ये कि बनु उमैया की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई है, अगर कोई समझेगा तो यहाँ किरदार इमाम सज्जाद नज़र आ की शख्सियत के दूसरे अबआद अगर कोई देखना चाहता है, शरफ क्या है, मकाम क्या है, मारिफत क्या है, इल्म क्या है, तो 1,24,000 अंबिया में बादस खत्मी मरतबत सबसे अफजल तरीन नबी जनाब इब्राहीम खलील अलैहि व अला नबीना
आलाफ तहियत व थना शेखुल अंबिया पैगंबर के बाद सारे नबियों से अफजल। कुरान मजीद ने आपकी शरफ को बयान किया, लेकिन जब कुरान मजीद जनाब इब्राहिम की तौहीद को बयान करता है, उनके इल्म को बयान करता है, तो ये जुमले कुरान मजीद की आयात का मुस्तफाद है कि जनाब इब्राहिम की तौहीद को परवरदिगार इन लफ्ज़ों में कुरान में जिक्र करता है कि चांद को देखा, फिर सूरज को देखा, सितारों को देखा, कहा कि ना ये सूरज खुदा, ये खुदा नहीं हो सकता, यकीनन इसका खालिक कोई और है। सितारों को देखा, ज़मीन को देखा, आसमान को, तमाम मौजूदात को देखा और मखलूकात को देखकर खालिक तक पहुँचे हैं। इब्राहिम खलील बाद अज़ नबी तमाम नबियों से अफ़दल। अब शरफ और मकाम और इल्म और इरफान समझना है। कौन है अली ज़ैनुल आबिदीन? क्या इल्म है, क्या मारिफत है, क्या इरफान है? वो इब्राहिम खलील हैं जो मखलूकात को देख, जो दुआए अबू हमदा थिमाली में ये जुमले इरशाद फरमा रहे हैं कि बेका अरफ तो कव अंत दल्लतनी अलैक, परवरदिगार मैंने तेरी जात की मारिफत खुद तुझसे हासिल की है, और परवरदिगार तेरे वजी तेरे वजूद पर सबसे बड़ी दलील खुद तेरी जात है। वो इब्राहिम है जो मखलूकात को देखकर खालिक तक पहुंच रहे हैं। कि ज़ैनुल आबिदीन ने जो कहते हैं कि मैंने खुदा की मारिफत खुदा से हासिल की और मेरे लिए खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील खुद ज़ाते खुदा है, इब्राहिम को यही कहना चाहिए, अली ज़ैनुल आबिदीन को यही कहना चाहिए, इसलिए कि जिस इब्राहिम की तख्लीक मखलूकात के बाद हुई वो मखलूकात को देखकर खालिक की मारिफत हासिल करेगा, और जिस अली ज़ैनुल आबिदीन के नूर को अल्लाह ने तमाम मखलूकात से पहले रखा वो खुदा को देखकर खुदा की मारिफत अरफ्तुका व अंत दल्लतनी अलैक, ये इल्म है, ये इरफान है, इमामुल आरिफीन है। तो जितना जिसका इल्म बुलंद होता है, जितनी जिसकी मारिफत बुलंद होती है, उतना उसका मकाम सब्र और शुक्र बुलंद होता है। इसलिए पूरी दुनिया मिलकर जिन मसाइब को बर्दाश्त न कर सके, सब्र न कर सके, जहां दुनिया सब्र न कर सके वहां अली ज़ैनुल आबिदीन शुक्र कर रहे हैं। तारीख इंसानी का मुश्किल तरीन दिन रोज़ आशूर सुबह से लेकर आसर तक और फिर शाम गरीबा तक कयामत गुजर गई, इसके बावजूद जैसे ही नमाज इशा अदादा की, अब अली ज़ैनुल आबिदीन ने जले हुए खेमों की राख पर जो पेशानी रखी तब उठाई जब फज्र की नमाज का वक्त हुआ, और सारी रात हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन ने एक सजदे में गुजार दी और सारी रात एक ही जिक्र जुबान पर जारी रहा, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने हम मोहम्मद व आले मोहम्मद को इस इम्तिहान में सुरखरू कर दिया। ये मकामे शुक्र है, इमामुल आरिफीन है, इसलिए इमामुल शाकिरीन है, और इमामुल शाकिरीन है इसलिए ज़ैनुल आबिदीन है, इसलिए सैयदुस साजिदीन है। और किस किस ने एतराफ़ किया आपके सैयदुस साजिदीन होने का, ज़ैनुल आबिदीन होने का? एतराफ़ वो होता है जो खुद दुश्मन भी अपनी जबान से करे, यहाँ तक के जब दोस्त दुश्मन आपको सैयद सज्जाद कहने लगे, ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, सैयद साजिदीन कहने लगे, तो एक दिन इबलीस को यह ख्याल आया कैसा साजिद है, कैसा जाहिद है कि दोस्त दुश्मन इसे सैयद सज्जाद कहते हैं, अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैं चल के देखूं ये क्या आबिद है, कैसा आरिफ है, कैसा सजदे करने वाला है। और अब इमाम सज्जाद हालत नमाज में और इबलीस आपके घर में दाखिल हुआ, और घर में दाखिल होते ही बिला
फासला इबलीस ने आपके घर को आग लगाई, दूसरी जानिब आपके फर्जंद को उठाकर पानी की कुएं में फेंका, और तीसरी जानिब जो सैयद सज्जाद नमाज पढ़ने तो आगे बढ़कर अजदहा का रूप धारा और इमाम के अंगूठे को दबाना शुरू किया, काटना शुरू किया, यहां तक के न नमाज में खलल आ रहा है, न रुकू में, न सजदे में, न कयाम में, न कुऊद में। वही अंदाज इबादत है, वही आंखों से अश्क जारी है, वही गिरिया। महव दर बंदगी खुदा, महव दर इश्क खुदा, ममसूस फी ज़ातिल्लाह अली ज़ैनुल आबिदीन। नमाज पढ़ते रहे यहां तक कि जैसी नमाज खत्म की तो एक मर्तबा आपकी कनीज आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद कहा, हैरत से कहा कि आपको खबर नहीं हुई कि कितना शोर है घर के अंदर, घर को आग लग चुकी है और बच्चा कुएं में गिर चुका, यो इतना बड़ा इश्तहा, ये आपके पांव को आपके अंगूठे को दबाए जा रहा है, वो कोई और है जो गार में सांप को देखने के बाद रोने लग जाता है, ये तो अली इब्ने अबी तालिब का पोता है। कौन सा अजदहा? जिस अली ने गहवारे में अजदहा के दो टुकड़े कर दिए, ये उसके पोते का शरफ है। जब कनीज ने कहा कि आपको अंदाजा नहीं हुआ कि घर में आग लग चुकी है, इतनी आवाजें बुलंद हो रही है, बच्चा कुएं में है और अजदहा आपके पांव को काटे जा रहे, फरमाया तुम्हें नहीं पता कि मैं किस खुदा की बारगाह में खड़ा था, किस खुदा से हम कलाम था। अब उठे नाला ने नाले ने पाक अपने पांव में पहनते हुए आगे बढ़े, कुएं के करीब आए, एक तरफ आग बुझ चुकी थी, दूसरी तरफ देखा कुएं का पानी ऊपर आ चुका है और आपका फरजंद कुएं की इस बालाई सतह पर बैठकर पानी पर बैठकर तबस्सुम कर रहा है। फरजंद को उठाया और यह जुमला कहा कि वो परवरदिगार जिसकी इबादत में अली ज़ैनुल आबिदीन मसरूफ था, मुझे यकीन था कि परवरदिगार मेरे अम्बाल और मेरे औलाद की हिफाजत करेगा। इबलीस हैरत से टिकटिकी बांधे सैयद सज्जाद की तरफ देख रहा है कि ऐसी भी इबादत हो सकती है, ऐसी भी ऐसा भी सजदा हो सकता है, ऐसे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। यहां तक कि हैरान परेशान सरगर्दान हजरत के घर से चला, मुड़कर देखते हुए और ये जुमले कहते हुए चला कि आज मुझे भी यकीन हो गया कि पूरी कायनात में अगर कोई सैयदो साजिदीन कहलवा सकता है तो सिर्फ तेरी जात है, और पूरी कायनात में अगर कोई ज़ैनुल आबिदीन किसी के लिए जचता है तो वो भी सिर्फ तेरी जात है। अंता सैयदो साजिदीन व अंता ज़ैनुल आबिदीन। सलावात भेजिए खानदान फातिमा पर। वो इमाम सज्जाद का इल्म है और ये इमाम सज्जाद का मकाम शुक्र है और ये इमाम सज्जाद की इबादत है और ये इमाम सज्जाद का अखलाक है कि इंसान हैरान हो जाता है। मरवान बिन हकम जैसा बदतरीन शख्स, यहां तक कि उसे भी पूरे मदीना में जब अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका इमाम हुसैन की शहादत के दूसरे साल बाद 63 हिजरी में जब ये मदीना से शाम गए जाकर यजीद से मिले और यजीद ने अपनी तरफ से को बहुत तहाइफ दिए, बड़ा एहतमाम किया, इनका बड़ा ख्याल रखा, अच्छे खाने खिलाए, रुखसत के वक्त इनको बेहतरीन लिबास दिए, तहाइफ दिए ताकि ये मदीना जाकर इसके बारे में अच्छे अल्फाज कहें। लेकिन जब ये अपने वफ्द के हमरा गए, कितनी जजीर एहतियात करता, कितना तसन्नो करता, उसका किरदार खुद बहुत जाहिर हो रहा था। जब उसके दस्तरखान पर इस तरह से सोने और चांदी के बर्तन देखे, शराब को देखा, देखा खुद जजीर इसी तरह से रेशम का लिबास पहना हुआ है जिसे रसूल इस्लाम ने पैगंबर इस्लाम ने हराम करार दिया। सोने चांदी के बर्तन में खाना हराम है, उनमें खाना खा रहा है, शराब पी रहा है और अब अपना बंदर है जिसका नाम अबुल कैस रखा हुआ है उसे मसनद पर बिठाता है। यहां तक कि सारे हालात देखने के बाद जब पलटकर अब्दुल्ला बिन हंजला शाम से मदीना आए तो अहले मदीना के सामने मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि जो मैं देख कर आ रहा हूं शाम में, अब अगर तुमने सुकूत इख्तियार किया और अब यजीद की बयत ना तोड़ी तो मुझे यकीन है कि आसमान से परवरदिगार हमारे लिए अजाब नाजिल करेगा। अहले मदीना ने यजीद की बयत तोड़ी जिसके बाद फिर यजीद ने दोबारा से हमला किया और इस दौरान में यजीद ने हसीन इब्ने नुमैर को और मुस्लिम इब्ने उकबा को, एक को मक्का की तरफ भेजा, एक को मदीना, और वाके हर्रा पेश आया। 3 दिन तक मुसलमानों की नामूस को, सहाबे किराम की अजवाज को इसके लश्कर के लिए मुबाह करार दिया गया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, 1000 से ज्यादा सहाबा कत्ल हुए। काश वक्त पर उठते और हुसैन का साथ देते, लेकिन ना
आज उनकी कुर्बानी किसी काम नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे हालात में इससे पहले जब बनू उमैया की दुश्मनी का आगाज हुआ और अब लोग आग लेकर मरवान बिन हकम के मदीने का साबिक गवर्नर है, जानी दुश्मन है अहले बैत का, इसके घर की तरफ बढ़े तो आधी रात को अपनी खवातीन और अपना माल उठाकर किसी और दरवाजे पर नहीं गया, इमाम सज्जाद के दरवाजे पर पहुंचता है। कहा मेरी नामूस खतरे में है, अहले मदीना मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, मेरा माल लूट लेंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरी खवातीन को कुछ दिन के लिए अपने घर में ठहरा लीजिए और ये माल रख लीजिए, आप अपनी उजरत रख लीजिए। इमाम ने फरमाया हम अहले बैत कभी भी किसी से उजरत नहीं लेते, जब तक तुम्हारी नामूस खतरे में है तुम हमारे घर में ठहरा सकते हो। ये शरफ है कि दुश्मन भी अपने नामूस के नामूस की बका के लिए और तहफ्फुज़ के लिए अगर किसी घर को अपने लिए मौजू समझता है तो सिर्फ अली ज़ैनुल आबिदीन का घर है। ये शरफ है। और खुद आपके भाई का कातिल हुसैन इब्ने नुमैर, जब अहले मदीना उठ खड़े हुए, एक मर्तबा मक्का से शोरश बरपा हुई है, वहां से अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का शोर बढ़ा, इधर मदीना के हालात खराब हुए और इसने भागना चाहा तो कोई मदीना में से मक्का में से न इसको खाने के लिए कुछ दे रहा है न इसको पीने के लिए कुछ दे रहा है, इसके घोड़े मरे जा रहे हैं, यहां तक कि इमाम अपने मुख्तलिफ खच्चरों के ऊपर अनाज लाद के और गल्ला लाद कर वापस मदीना आपकी रिहाइश थी, जहां पर वहां एक बड़ा मकाम था जहां पर आपके 100 से ज्यादा घोड़े थे, बाकी ऊंट थे वाले, उनके लिए गल्ला लेके जा रहे थे। एक मर्तबा रुक के कहता है कि मैं शदीद प्यासा हूं, पानी खत्म हो चुका है, अहले मदीना कोई हमें पानी देने के लिए तैयार नहीं है। हजरत ने पानी के दहाने खुलवा दिए, मशकें खुलवा दी हैं। मैं अर्ज करूं होर इब्ने यजीद अर-रियाही, उसके लश्कर को पानी पिलाना आसान था, अली अकबर जैसे भाई के कातिल को पानी पिलाना कितना मुश्किल है। ये अली ज़ैनुल आबिदीन जानते हैं, लेकिन ये अखलाक की बुलंदी, ज़र्फ की बुलंदी की इंतहा है। जैसे ही पानी पिया, हुसैन इब्ने नुमैर ने इसके लश्कर वालों ने कहा कि कुछ अनाज भी मिल जाए, कुछ गल्ला मिल जाए, हमारे जानवर घोड़े मरे जा रहे हैं, फरमाया ये सब रख लो। इसने आगे दिरहम और दीनार बढ़ाए, फरमाया ना, जो जरूरतमंद है उसके लिए कोई उजरत नहीं ली जाएगी। एक मरतबा जब उसको उसने कहा कि भूख महसूस हो रही है, हजरत ने वही दस्तरखान बिछवा दिए, इसके सिपाहियों के लिए खाना लगवा दिया। इतना कुछ देखने के बाद एक मर्तबा हैरत से आगे बढ़ा, कहा अली ज़ैनुल आबिदीन मुझे लग रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं है, अगर पहचान लेते तो कभी इतना कुछ ना करते। इमाम ने फरमाया तू कैसे समझ सकता, अली अकबर जैसे भाई के कातिल को भुला सकता हूं, किसने नहीं पहचाना, मैं तुझे देखते ही पहचान गया था, लेकिन वो तुम्हारा किरदार था, ये हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का किरदार है। ये अखलाक है हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का, और क्या जूदो अता हजरत अबू हमद थिमाली। खुद ताजिर थे, हमेशा इमाम की खिदमत। याकूत उल अहमर, ये तो सुर्ख याकूत हैं, नीचे सफेद मोती हैं, ऊपर सब जबरजद हैं, ऊपर सुर्ख याकूत हैं। हजरत ने फरमाया ऊपर सुर्ख याकूत हैं, हजरत ने फरमाया ले जाओ और मेरी तरफ से जाकर अपनी जौजा को तोहफा देना और उनको कहना कि इमाम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। ये खुशी खुशी लेकर पहुंचा और कहा कि आप हमेशा कहती थी, लेकिन आज देखो इमाम ने इतना अता किया कि सारी जिंदगी हमें कोई कमी नहीं आएगी अगर कुछ भी ना करें। ये सुना रोने लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इतने रऊफ इतने करीम इमाम के बारे में मैं इतना मनफी सोचती रही, यहां तक कि ख्वाहिश की कि अबू हमदा मुझे भी इस करीम इब्ने करीम इमाम की ज़ियारत के लिए लेकर चले। अबू हमजा ने सौजा को साथ लिया, लेकिन रास्ते में अलील हुई, इस हद तक बीमार पड़ी कि मौत हो गई। इन्होंने एक मेहमान सरा में हुजरा किराए पर लिया
और अपनी जौजा की मैयत वहां रखी और परेशानी के आलम में मदीने में पहुंचे इमाम के पास। इमाम अफराद के बीच में थे, गुलामों के दरमियान थे, कुछ कहना चाहा, फरमाया अबू हमदा तहम्मुल करो, सब्र करो, यहां तक कि कुछ वक्त गुजरो, मुसलसल बेताबी बढ़ती जा रही है कि कैसे बताऊं इमाम को। यहां तक कि जैसे इमाम ने फरमाया बताओ क्या बात है, क्यों मुस्तरिब हो, क्यों बेचैन हो। कहा कि आपकी कनीज आपकी जियारत के लिए मदीना आ रही थी, लेकिन मदीने के करीब पहुंचते ही उसकी वफात हो गई, बीमार हुई। इमाम ने फरमाया कैसे मुमकिन है, अगर वो मेरी जियारत के लिए आ रही थी तो मुझसे मिले बगैर दुनिया से चली जाए। कहा हजरत वो मर चुकी है, मैं खुद उसकी मैयत को छोड़कर आया हूं। कहा ना जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे लेकर आ जाओ। अब जब पहुंचा हैरान कि क्या इमाम क्या फरमा रहे हो, मैं तो खुद मरता हुआ देख के आया हूं। और जैसे ही दरवाजा खोला मेहमान सरा का, तो क्या देखा कि वो खातून बैठी हुई हक ताला की बंदगी में, राजो नियाज में, दुआ में मसरूफ है। हैरत से पूछा कि आपकी मौत नहीं हो चुकी थी? कहा मैं मर चुकी थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा जब जनाबे इजराइल ने मेरी रूह को कब्ज किया और मेरी रूह को मलकूत आलम की तरफ लेकर जा रहे थे, तो सामने से एक ऐसी शख्सियत थी जिनके गिर्द नूर का हाला था, और फरिश्ते आगे बढ़ बढ़ कर आपके हाथों के बोसे ले रहे थे। यहां तक कि उन्होंने इशारा किया, इजराइल ने तवक्कुफ किया और उन्होंने फरमाया कि जाओ इस मोमिना की रूह को वापस इसके जिस्म में मुंतकिल कर दो। यहां तक कि इजराइल ने मेरी रूह को वापस मुंतकिल किया। ये रऊफ है इमाम है, ये करीम इमाम है। और सबसे मुश्किल मरहला करबला को जो हम तक पहुंचाया है, इतना मुश्किल मरहला है करबला का आफाकी पैगाम, जितना बड़ा पैगाम है हुसैन इब्ने अली ने किसी दूसरे जरिए पर एतमाद नहीं किया, जितना बड़ा पैगाम है उतने बड़े पैगंबर का इंतखाब किया, एक सानिए जहरा का इंतखाब किया, एक अली जैनुल आबिदीन का इंतखाब किया। बस दो से तीन पहलू और अर्ज करूं और आपकी जहमतों को तमाम कर दूं। यहां तक के मैं एक सवाल करूं अगर आपसे, फिर समझें कि इमाम सज्जाद ने क्या किया। 35 साल अहद इमामत में इमाम ने क्या कारहाए नुमाया अंजाम दिए। मेरे अजीजों, जब इमाम हुसैन को वलीद बिन उतबा मदीने के गवर्नर ने गवर्नर हाउस में 28 रजब की शब में बुलाया था बैत के लिए, तो इमाम ने फरमाया मेरी बैत तुम्हारे किस काम की है, दिन के उजाले में बोलाओ अगर राय आम्मा को हमबार करना चाहते हो। इसने कहा जैसे आप मुनासिब समझते हैं। लेकिन मदीने का साबिक गवर्नर मरवान बिन हकम मौजूद था। जैसे इमाम वापस मुड़े तो मरवान बिन हकम ने वलीद से कहा कि हुसैन को ना जाने दो, अगर हुसैन अभी चले गए दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, या हुसैन से बैत लो, अगर बैत नहीं करते तो यहीं पर कत्ल कर दो। उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुतहरी ने लिखा इमाम हुसैन के कानों से मरवान बिन हकम की आवाज टकराई और पलटे जैसे बिजली चमकती है, और आगे बढ़कर मरवान बिन हकम को गिरेबान से पकड़ा और इतना उठाया, इतना बुलंद किया कि मरवान बिन हकम का सर दारुल अमारा की छत से टकराने लगा। फिर हुसैन ने मरवान को जमीन पर पटका और पटकने के बाद फरमाया ए मरवान, तू कब से इस काबिल हो गया कि हुसैन इब्ने अली के साथ गुफ्तगू कर सके, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तू हुसैन से बात कर सके। उसके बाद फिर मुड़े वलीद बिन उतबा की तरफ, गवर्नर मदीना की तरफ, और ये कलिमात अपनी जुबान पर जारी फरमाए इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला वह महल रहमा व मुख्तलफुल मलाइका। चार लफ्ज अपने लिए कहे, चार लफ्ज अपने दुश्मन यजीद के लिए इस्तेमाल किए और यजीद के कुल किरदार का खुलासा किया इमाम हुसैन ने चार लफ्जों में। वह यजीदो रजुलुन फासिक शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मुलिनुन बिल फिस्क, मैं इस किरदार का मालिक हूं। और यजीद ये रजुलुन फासिक, ये फासिक है और शारिबुल खम्र है और मुहतरम जानों का कातिल है। और चौथी मरतबा फिर इमाम ने यजीद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुलिनुम बिल फिस्क, यानी किरदार यजीद का हुसैन ने इन चार लफ्जों में खुलासा किया और यजीद की जिंदगी को फिस्क से शुरू होकर फिस्क से खत्म होकर यह बयान किया इमाम हुसैन ने। इसका मतलब यह है कि मैं शख्स यजीद का दुश्मन नहीं हूं, मैं किरदार यजीद का दुश्मन हूं। तो इमाम हुसैन की दुश्मनी का राज यजीद से क्या है? हम यजीद के दुश्मन हैं इसलिए कि वो कातिल हुसैन है, लेकिन खुद हुसैन यजीद के क्यों दुश्मन है? इसलिए कि यजीद फासिक है। ये इमाम हुसैन की दुश्मनी का राज है। तो ये फिस्क किसे कहते हैं? फासिक कौन होता है? ऐसा नहीं कि अगर किसी पर गुस्सा आ जाए तो आप उसे फासिक कहना शुरू कर देना। कुरान से पूछें कि कुरान ने किसे फासिक कहा है, तो कुरान ने जो अलामत बयान की, पहचान बयान की फासिक की, फरमाया अल्लदीना यक्तौना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला। फासिक वो है अल्लदीना, जो लोग यक्तौना काटते हैं, कैंची चलाते हैं, किस पर?
पर, मां उस पर, अमर अल्लाह बिही, जिसका खुदा ने हुक्म दिया, अयू सला कि इन्हें मिलाओ, जिन जिन के मिलाने का खुदा ने हुक्म दिया, जो भी उन्हें कता करेगा, जुदा करने की कोशिश करेगा, वो फासिक है। पहला ताल्लुक जिसे परवरदिगार हद्दे कमाल पर देखना चाहता है, वो आप और माबूद का ताल्लुक है, बंदे और अल्लाह का ताल्लुक है, खालिक और मखलूक का ताल्लुक है। ये ताल्लुक अगर किसी का कमजोर हो गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे। अगर मरकज से राबता खराब है, फिर जितना जोर लगा ले, हर एक के साथ उसका राबता बिगड़ जाएगा। जो खुदा फरामोश होता है वो खुद फरामोश बन जाता है। ये कुरान कहते हैं, वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाहा फकद अंसाहुम अनफुसहुम, खबरदार उनकी तरह से ना हो जाना जिन्होंने अपने रब को भुला दिया, कि इनके रब ने फिर इन्हें अपना आप भुला दिया। ये पढ़ा लिखा होने के बावजूद, डिग्रियां होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद, प्रोफेसर होने के बावजूद, ओहदे और मनसब पर होने के बावजूद, इस तरह से मजनून दिखाई देगा, इस तरह से इसकी हरकत और सकनात, इसकी जिंदगी इसके कंट्रोल में नहीं, इसके ताल्लुकात उलझे हुए अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर जगह इसका मामला उलझा हुआ है। क्यों? इसलिए कि मरकज से इसका राबता खराब है। और जब किसी का खुदा से ताल्लुक बिगड़ जाता है तो सारे ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। अगर कोई किसी ताल्लुक को ठीक करना चाहता है, किसी का जितनी सफाइयां देगा उतना ज्यादा उसका ताल्लुक खराब होता चला जाएगा। इसलिए कि इसने मरकज से राबता करना है। बुनियाद जाते खुदा है, वो मुकल्लिबुल कुलूब है, वो दिलों को फेरता है, वो दिलों को इस तरह से असरअंदाज होता है। अगर किसी से ताल्लुक ठीक करना चाहते तो उसे सफाई देने के बजाय खुदा से राबता करें, मरकज से राबता करे। और अली फरमाते कि अगर इंसान अब्द महज खुदा बन जाता है और खुदा की बंदगी इख्तियार करता है, खुदा की इबादत इख्तियार करता है और खुदा का मुती और फरमाबरदार बन जाता है, तो अल्लाह पूरी कायनात को उसके लिए राम कर देता है, यहां तक कि उसके घर के पालतू जानवर भी उसके इशारों पर चलते हैं। लेकिन जो घर का, जो खुदा का नाफरमान होता है, उसकी औलाद भी उसकी नाफरमाबरदार होती है, बाकी लोगों के दिलों से भी उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। यह पहला ताल्लुक है खुदा के साथ, दूसरा ताल्लुक नबी के साथ, तीसरा ताल्लुक इमाम के साथ, चौथा ताल्लुक वालिदैन का औलाद के साथ है। परवरदिगार इस ताल्लुक को मुस्तहकम देखना चाहता है। बहन और भाई का ताल्लुक, ज़ौज और ज़ौजा का ताल्लुक, औलाद और वालिदैन का ताल्लुक, दोस्त और दोस्त का ताल्लुक, ये सारे रिश्ते यजीद ने आकर इन सारे रिश्तों के ऊपर कैंची चलाने की कोशिश की। और अगर इमाम हुसैन कयाम ना फरमाते तो यजीद की तमाम तर निजासतें पूरी इस्लामी दुनिया में इस तरह से फैल जाती हैं। आज क्या दिन है? बुध का दिन है। आज का बुध का दिन, बुध के दिन शाम में नमाज जुमा पढ़ाई गई है। अगर आज यहां पर इसके इस गांव में झामरा में अगर आपके इलाके का पेश नमाज 5 मिनट पहले आपसे कहे कि चलो आज मगरिब की नमाज पहले पढ़ लेते हैं, मुझे किसी दूसरे शहर पे जाना है, मजबूरी है, तो क्या आप पढ़ेंगे? अगर वो आम इलाके का पेश नमाज है, अगर इराक से सैयद अली हुसैनी सिस्तानी आ जाए, अगर ईरान से सैयद अली खामेनाई आ जाए और वो आपसे कहें कि मुझे जल्दी वापस जाना है, जरा 5 मिनट पहले नमाज पढ़ लें, क्या आप नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि अभी वक्त नहीं हुआ। तो जो आप लोग 5 मिनट पहले पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अहले शाम के लाखों लोग कैसे मुमकिन हुआ कि वो 2 दिन पहले नमाज जुमा पढ़ रहे हैं और किसी एक ने भी एतराज नहीं किया? अगर इमाम हुसैन अपना घर छोड़कर करबला ना जाते तो ये किरदार बनू उमैया, ये तमाम नजास्तें पूरी इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन जाती। ये फिस्क फजूर जो यजीद के घर में था, वरना इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके भी खुद को बचा सकते थे। क्या अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नहीं बचाया? बचाया और यजीद से बड़ी हुकूमत की। यजीद 3 साल 8 महीने 14 दिन हुकूमत करके मर गया, लेकिन यजीद से बड़ी हुकूमत की और 12 साल हुकूमत की है, यहां तक कि अब्दुल मलिक बिन मरवान भी उसे कत्ल ना कर सका। 73 हिजरी में जाकर हज्जाज बिन यूसुफ के जरिए से उसे मरवाया है, अब्दुल्ला बिन जुबैर को, जो इसे 2 बराबर बड़ी हुकूमत कर रहा था। यजीद की हुकूमत सिमट कर शाम तक महदूद रह गई थी। इमाम हुसैन बैत ना करके भी खुद को बचा सकते थे, बच्चों को भी बचा सकते थे, अयाल को भी बचा सकते थे। क्यों करबला गए? ताकि यजीद और इस्लाम के दरमियान ऐसा खत खींच दें कि कहीं यजीद का किरदार इस्लामी मुआशरे में मुंतकिल ना हो जाए। जो सौतेली माँ से निकाह कर रहा है, जो बहन और भाई के आपस में निकाह जायज समझता है, जिसके घर में शराब को वो अहमियत हासिल है जो आपके यहाँ जमजम को अहमियत हासिल है, तो इस किरदार को रोकने के लिए पहला काम इमाम हुसैन ने किया है। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐलान किया है और फिर
پھر اس فسق و فجور کو ختم کرنے میں جس ہستی نے کردار ادا کیا وہ علی زین العابدین ہیں. یہ مشکل باتیں ہیں لیکن شاید پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل نہ ہو, اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں. یہ آج کی گفتگو کا پیغام ہے. فسق و فجور کے مقابلے میں, یعنی فسق یہ ہے کہ ان تمام رشتوں پر یزید اثر انداز ہونا چاہتا تھا اور وہ یزید کا تسلسل اب بھی جاری ہے. آج کا میڈیا, آج کے ذرائع ابلاغ, وہ بھی ان تمام رشتوں پر نظر انداز ہو رہے ہیں. لیکن جواب میں جو نصاب دیا امام سجاد نے کہ وہ تمام رشتوں کو یوں ملایا, اب رسالت الحقوق اٹھائیں انسان حیران رہ جاتا ہے. بتایا کہ خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, امام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, اپنے والدین کے ساتھ تعلق کا معیار امام سجاد نے بتایا. انسان حیران ہے. کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے. ہر انسان پر اپنے والدین کی اطاعت واجب ہے, خواہ اس کے ماں باپ کافر ہوں, خواہ اس کے ماں باپ مشرک ہوں. اگر مشرک ماں باپ آپ کو مستحب سے روکیں, رکنا پڑے گا. آپ کو تہجد سے روکیں, رکنا پڑے گا. اگر مشرک ماں باپ مسجد جانے سے روکیں, رکنا پڑے گا. یہ امام سجاد نے بتایا. صرف واجب میں اور حرام میں خدا کی اطاعت پہلے ہے, تمام مستحبات میں, تمام مکروہات میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو پہلے رکھا ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا. یہ سید سجاد نے انسانی رشتوں کا احترام سکھایا اور کسی کو بھی مستثنا حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی ہے, ایک صحابی پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں گیا اور کہا یا رسول اللہ بتائیں میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں, میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس کیفیت میں. پیغمبر اسلام نے تعجب سے پوچھا کون سی جنت, کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے. کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا. کہا پھر کیوں میرا بھائی شہید جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا, اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے صرف 25 نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا, لیکن کسی بھی نبی کا صرف اکٹھے ایک جگہ نہیں آیا. سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں, لیکن ٹکڑوں میں, سورہ بقرہ میں, بنی اسرائیل میں, سورہ آل عمران میں. ایک نبی جن کے ذکر کو اللہ نے اکٹھے ایک جگہ بیان کیا اور ان کے کردار کو قیامت تک کے جوانوں کے لیے پروردگار نے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا. کون؟ یوسف علیہ وعلی نبینا علی فتحید وطنہ. لیکن یہ یوسف کہ اللہ ان کے کردار کو پسند کر رہے ہو, تمجید کر رہا ہے, لیکن چند سالوں کی جدائی کے بعد جیسے یوسف اور یعقوب کا آمنا سامنا ہوا تو جناب یعقوب نے دیکھا, یوسف پر نگاہ پڑی, جلدی سے سواری سے نیچے اتر آئے اور سر پر دوڑنا شروع کیا اور آگے بڑھ کر, جب آگے بڑھتے جا رہے تھے تو ادھر جناب یوسف نے دیکھا کہ میرا باپ یعقوب پیدل چلا آ رہا ہے. سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو عمائدین سلطنت اور باقی افراد حکومت کے اکابرین سب ساتھ ہیں, تو سوچا کہ حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے بھی سوار ہو کے جانا چاہیے. اس لیے چند قدم سوار ہو کر طے کیے, لیکن کچھ قدم طے کرنے کے بعد انہیں احساس ہو کہ اچھی بات نہیں کہ وہاں پیدل چلا آ رہے ہو, میں سوار ہو کر جا رہا. سواری سے نیچے اترے یوسف اور پھر باپ کی طرف بڑھے, اور جیسے قریب پہنچے اس سے پہلے کہ گلے ملتے پروردگار نے جبرائیل کو اتارا. جبرائیل آئے, یوسف کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے. جناب یوسف نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. تعجب سے پوچھا یہ کیسا نور ہے؟ کہ یہ نور نبوت ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. یہ علی زین العابدین نے دنیا کو سکھایا. وہ جو یزید اور بنو امیہ رشتوں کا تقدس ختم کر رہے تھے, یہاں تک کہ امام سجاد فرماتے کہ جو شخص, یہ جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں, امام سجاد کی شہادت کے دن آقا کا پیغام لے کر جائیں. آقا فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے, جاؤ اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا تھا. جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو, اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو, نہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی نہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا. یہ رشتوں کا تشخص, یہ رشتوں کا مقام, ایک ایک رشتے کی حرمت, یہ رسالت الحقوق ہم میں سے ہر ایک جوان کو پڑھنا چاہیے.
ये इमाम सज्जाद ने दोबारा से फिस्क फुजूर के उस माहौल में हर ताल्लुक को अपने मकाम पर लाने के लिए खुद इमला करवाया। अपने बेटे जैद से फरमाते थे, मैं बोल रहा हूं तुम लिखते चले जाओ और फिर इन चीजों को फैलाओ। ये जिहाद है इमाम सज्जाद का। और इन रिसालतुल हुकूक के बाद जो दूसरा काम किया इमाम सज्जाद ने, मैं सात चीजों को बयान करना चाह रहा था लेकिन बस ये आखिरी पहलू अर्ज कर रहा हूं। जो दूसरा काम किया इमाम सज्जाद ने वो 54 दुआएं जिनका मजमुआ सहीफ़े कामिला है, सहीफ़े सज्जादिया। क्या मारिफत का बहर जखार है। आज अगर आप हज के लिए जाएं सऊदी अरब, मदीना जाएं, मक्का जाएं, आप मफातिल जनान उठा के नहीं ले जा सकते, वो आपको भी गिरफ्तार करेंगे, आपसे किताब छीन लेंगे, लेकिन सहीफ़े सज्जादिया आप हर जगह लेके जा सकते हैं। ये क्या है सहीफ़े सज्जादिया? दुनिया के दानिश्वर हैरान है, उकला हैरान है कि सैयद सज्जाद ने क्या किया है, ये बशर के लिए क्या इनाम छोड़ कर गए हैं। ये 54 दुआएं मारिफत का बहरे जखार है। क्या अजीब मराहिल हैं। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कि आम इंसान अगर मुतासिर हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स कि जो खुद दानिश्वर है, खुद डॉक्टर है, खुद मुफक्किर है, खुद स्कॉलर है, कौन? एक आम फर्द नहीं है, इटली का वो यहूदी जिसका नाम एडवार्डो। ये आप भी देहात से ताल्लुक रखते हैं, आप में से बहुत सारे किसान होंगे, ये जो किसान खुद भी ट्रैक्टर रखे होंगे और बहुत सारे आपने देखे होंगे, बाकी बहुत सारी चीजों का नाम भी फिएट के नाम से है और एक ट्रैक्टर भी है फिएट के नाम से। अगर आप जाकर सर्च करें कि इसका मालिक कौन था, तो इसका मालिक एडवार्डो था। और सिर्फ की एक कंपनी नहीं, ऐसी बीसियों कंपनियों का मालिक, दुनिया का अमीर तरीन फर्द एडवार्डो, जो इटली का यहूदी था, ये इस्लाम के ऊपर थीसिस तहरीर कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे। तो इसी दौरान में ईरान में इनकलाब आया, तो इनके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि चल के मैं शिया इस्लाम को भी पढ़ूं कि ये इस्लाम की जो शाख है ये कैसी है और इनकी तालीमात क्या हैं। यहां तक कि उन्होंने ईरान का सफर किया और ईरान पहुंचकर इन्होंने खुमैनी बुतचिकन से मुलाकात की। ये आधे घंटे की मुलाकात है। और फिर जब ये रुखसत हुए तो फिर ये इटली पहुंचने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और फिर दोबारा आए, जब दोबारा आए तो आका खुमैनी का इंतकाल हो चुका था, सैयद अली खामेनाई से इनकी मुलाकात हुई और ये उनके पीछे नमाज जुमा अदा की। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, जरा अबलाग पर। तो डॉक्टर अली अकबर विलायती ने इनसे पूछा, जो ईरान के वजीर खारजा थे, कहा आप तो यहूदी हैं और यहूदी अपने अकीदे में बहुत सख्त होते हैं, अपने आबाई अकायद और नजरियात को नहीं छोड़ते, तो आपने अपना मकतब छोड़कर क्यों कर इस्लाम कबूल किया? कहा इस तरह कि मैं जब खुमैनी बुत चिकन से मुलाकात के लिए आया तो आधे घंटे की मुलाकात के बाद जब वो मुझे रुखसत करने लगे तो उन्होंने मेरे गिर्द एक ट्रायंगल खींची, एक मुसल्लस खींची और मैं कोशिश के बावजूद उससे बाहर ना निकल सका। कहा कैसी ट्रायंगल, कैसी मुसल्लस? कहा कि उन्होंने मुझे तीन किताबें दी और मुझसे कहा अगर तुम संजीदा हो और इस्लाम को समझना चाहते हो और इस्लाम को पढ़ना चाहते हो एक मकतब और निज़ाम के तौर पर, तो इन तीन किताबों को पढ़ लो, तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा और कोई चौथी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, न किसी से कुछ पूछने की जरूरत है। कौन सी तीन किताबें? एक कुरान, दूसरे नहजुल बलागा, तीसरे सहीफ़े सज्जादिया। कुरान से मुतल्लिक एडवार्डो ने क्या कहा ये मेरा मौजू नहीं है, नहजुल बलागा से मुतल्लिक क्या कहा ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, सहीफ़े सज्जादिया से मुतल्लिक क्या कहा, का इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये इंसान जिसका नाम अली है, ज़ैनुल आबिदीन, ये इस कायनात का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात है और ये अपने खुदा से यूं बात करता है और अपने अल्लाह से ऐसे अपनी दुआएं मनवाता है कि अपने खुदा के पास भी इनकार का रास्ता नहीं छोड़ता। ये अजीब पहलू है इमाम सज्जाद का। अगर आप इमाम सज्जाद की सीरत को पढ़ें, आपकी जिंदगी को पढ़ें, तो 35 सालों में सबसे ज्यादा गुलाम इमाम सज्जाद ने खरीदे। पैगंबर से लेकर इमाम अस्करी तक तमाम मासूमीन ने मिलकर इतने गुलाम नहीं खरीदे जितने इमाम सिर्फ इमाम सज्जाद ने खरीदे, और खरीदने के बाद एक साल से भी कम अपने पास रखते थे और फिर आजाद कर देते थे। और अगर गुलाम इसरार करता कि नहीं मैं रुकना चाहता हूं, हजरत तब भी कहते कि नहीं तुम जाओ ताकि दूसरे अफराद आ सकें। राज क्या था? राज करबला को पूरी दुनिया में फैलाना था, पैगाम आशूरा को, हुसैनियत को दुनिया में आम करना था। जब मदीने में इतनी सख्ती थी कि अगर कोई दो मिनट के लिए खड़े होकर आपसे हाल पूछ ले तो उसे गवर्नर हाउस में तलब करके तफ्तीश की जाती थी, तो पैगाम करबला कैसे पहुंचाए? क्या हिकमत अमली इख्तियार की है इमाम ने? क्या इमामत किसे कहते हैं? जो इकबाल ने कहा कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है,
इसको क्या समझेगा भला दो रकात का इमाम। अली जैनुल आबिदीन ने दुनिया को बताया कि इमामत कैसे की जाती है, मुश्किल तरीन हालात में, पेचीदा तरीन हालात में क्या रविश इख्तियार की कि दुश्मन अपनी तमाम तर शैतनत के बावजूद, होशियारी के बावजूद इमाम की हिकमत अमली को ना समझ सका। वो ये समझता था शायद सवाब के लालच में गुलाम खरीदते हैं फिर आजाद कर देते हैं, लेकिन ना, बज़ाहिर गुलाम खरीद रहे हैं लेकिन बबातिन अपने शागिर्द तैयार करते हैं। और एक साल अपने साथ रखने के बाद जब वो आपके किरदार से, सुन्नत से, सीरत से, गुफ्तार से, अमल से, एक एक चीज को देख कर इस तरह से अपने वजूद में उतारता है इमाम की सीरत को, तो फिर वो इमाम का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, इमाम का नुमाइंदा बन जाता है, करबला का तर्जुमान बन जाता है, और फिर इन गुलामों को पूरी दुनिया में फैला देते हैं। और अगर कोई रुकना चाहे तो फरमाते ना तुम जाओ ताकि दूसरे आ सके। इस तरह से शागिर्दों को तैयार किया जा रहा है। ये दुनिया की अजीम दानिशगाह जिसकी मिसाल नहीं मिलती है, ये दुनिया की बेनजीर यूनिवर्सिटी जिसकी चश्मे फलक ने दोबारा कैफियत नहीं देखी। यहां तक कि कब आजाद करते थे, शबे कद्र में आजाद करते थे। आपके यहां भी शबे कद्र जाकर आप इबादत करते हैं, आपका भी अंदाज है, तरीका है शबे कद्र की मुनाजात। कोई सदका देके शुरू करता है, कोई गुस्ल देके शुरू करता है, गुस्ल करके शुरू करता है, कोई कुरान मजीद की तिलावत से शुरू करता है, कोई नमाज से शुरू करता है। लेकिन सुने इमाम सज्जाद शबे कद्र के आमाल और मुनाजात का आगाज कैसे करते थे। अपने तमाम गुलामों को जमा करते, अपनी सारी कनीजों को बड़े हुजरे में जमा करते, और जब सब जमा हो जाते तो इमाम एक रजिस्टर खोलते, और खोलने के बाद एक एक से इतराफ लेते, बताओ फला दिन फला मौके पर तुमने मुझसे गलत बयानी की थी या नहीं की थी। वो जो गलत बयानी करने के बाद भूल चुका था और मुतमईन था कि इमाम को पता नहीं चला, लेकिन जब इमाम याद दिलाते तो वो इतराफ करता, हाँ मुझसे गलती हुई। दूसरे से पूछते कि फला दिन तुमने मेरा ये नुकसान किया था या नहीं किया था, इतराफ ले लिया। फिर तीसरे से चौथे थे, तुमने फला दिन ये किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। एक एक से इतराफ लेने के बाद अब सब परेशान है कि शायद इमाम नाराज हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही सबसे इतराफ ले लेते तो फरमा सुनो आज की ये बात है, ये बात वाकई इसका जवाब नहीं है, इससे मुतासिर हुए हैं एडवाल्डो, ये इस्लाम कबूल किया है और फिर किताब भी लिखी है लेकिन बाद में उनको शहीद करवा दिया गया। ये एडवाल्डो कह रहे हैं, और क्या एक एक गुलाम से एतराफ लेने के बाद जब सब से एतराफ ले लेते तो फरमाते जाओ आज की शब मैंने तुम सबको मुआफ कर दिया, और दूसरा जुमला इरशाद फरमाते जाओ आज की शब मैंने तुम सबको आजाद कर दिया, और फिर अगर कोई रुकना चाहता फरमाते नहीं आप जाना होगा ताकि दूसरे आए, और फिर वो तीसरा काम करते उस हुजरे के दरवाजे पे खड़े हो जाते और दिरहमो दीनार के तश्त में पड़े हुए हर एक को जाने वाले को एक थैली देते और फरमाते जाकर अपनी बाइज्जत और बावकार जिंदगी का आगाज करो, अब दोबारा किसी इंसान की गुलामी इख्तियार ना करना। इस तरह से सबको रुखसत करने के बाद जब तमाम गुलाम तमाम कनीजें रुखसत हो जाते, अली जैनुल आबिदीन सिखा रहे हैं कि खुदा से कैसे मांगा जाता है, खुदा से कैसे अपनी बातें मनवाई जा सकती हैं। सबको रुखसत करने के बाद हुजरे के दरवाजे को बंद करते और जाए नमाज पर तशरीफ लाते और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर इन जुमलों से अपनी मुनाजात का आगाज करते, परवरदिगार देख मैंने बंदा होते हुए अपने सारे गुलामों को मुआफ कर दिया, क्या तू अल्लाह होते हुए अपने एक गुलाम को मुआफ नहीं करेगा। ये अंदाज इबादत सिखाया है, ये अल्लाह से मनवाने का, अल्लाह से मांगने का उसलूब सिखाया अली जैनुल आबिदीन ने। और आपकी सीरत के दीगर अबाद हैं, पहलू हैं, अब सीने में सकत नहीं कि मजीद कुछ अर्ज कर सकूं। और सबसे बड़ी बात कि वो सैयद सज्जाद जिन्होंने करबला को हम तक पहुंचाया है, इतना कदगन है, इतनी पाबंदियां हैं, हर तरफ जासूस फैले हुए हैं, इसके बावजूद इंसानी एहसासात पर इस तरह से असरअंदाज होते हैं कि अगर दरबार से बाजार से गुजरते हैं और कोई कस्साब जानवर को ज़िबा कर रहा है तो रुक कर पूछते हैं बताओ इसे ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया, तो वो कस्साब कहता मैं आपके जद का उम्मती हूं, कैसे मुमकिन है कि मैं इसे प्यासा ज़िबा करूं। अब रुख करते करबला की तरफ और आपकी बातें सुनते और कहते कि बाबा यहाँ तो जानवरों को भी ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता, तीन दिन का प्यासा शहीद किया, और जब वुजू का पानी आता था इतना गिरिया करते थे कि वुजू के पानी में इतने अश्क गिरते थे कि पानी वापस भिजवा देते थे, दोबारा वुजू का पानी लाया जाता था, किस किस तरह से करबला को पहुंचाया, यहाँ तक कि आपका अखलाक, आपका अमल, आपकी सीरत। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं
और बस यहीं पे गुफ्तगु सिमट जाए, यहां तक के खत्मी मर्तबत के अस्माए गिरामी और अलकाब में से एक लकब है बशीर, एक है नजीर। यहां आपके झामरा में शायद जो बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, इन नामों का जहां भी आप देखें, इस्लामाबाद में अगर आपका जाना हो तो वहां पर शाहराओं पर नाम लिखे हैं पैगंबर के, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर नामों का मफहूम और माना गलत लिखा गया। उन्हीं में से एक बशीर और एक लकब नजीर है, और बशीर का माना ये बच्चों ने भी, जवानों ने पढ़ा होगा स्कूलों में, कॉलेजों में, और आपने भी देखा होगा शाहराओं पर। बशीर यानी खुशखबरी देने वाला, और नजीर यानी डराने वाला। ये मफहूम दरहाली के लफ्जों का ये मतलब नहीं है। अगर आप लुगत की मोतबर और मुस्तनद किताबों में देखेंगे तो बशीर का मतलब है मायूस दिल में उम्मीद की शमा को रोशन करने वाला, और नजीर आने वाले खतरों से बशर को आगाह करने वाला। अब देखें सैयद सज्जाद कौन है, ये पैगंबर के अलकाब हैं और अपने जमाने के मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या बशारत है, क्या नजारत है, क्या इमामत का अंदाज है, क्या मैयार इमामत है। हज के लिए मक्का तशरीफ लाए और हसन बस मल अजब मन नजा कैफ नजा, और लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, इसलिए कि मायूसी फैल रही थी। बराबर एक जुमला दोहरा रहा था हसन बसरी, ताज्जुब है इंतहाए ताज्जुब है, कयामत में इतना सख्त हिसाब होगा, कोई निजात पाएगा तो कैसे निजात पाएगा। इमाम सज्जाद ने देखा ये लोगों को मायूस कर रहा है रहमत खुदा से, तवा आंखें धसी हुई हैं, करीब उल मर गए, जो भी लेने जाता है तो वापस नहीं आते। फरमाया जाओ और इब्ने शुहाबे जोहरी को मेरा पैगाम पहुंचाओ कि हुसैन का बेटा अली बुला रहा है। इब्ने शुहाबे जोहरी को लाया गया, इमाम ने देखा, पूछा तुमने क्या हाल बना लिया है। कहा फरजंद रसूल आपको पता है मुझसे कितना बड़ा जुर्म सरजद हुआ। कहा क्या जुर्म सरजद हुआ। कहा दौरान तफ्तीश एक शख्स की जान मेरे हाथों चली गई। कहा इससे बड़ा गुनाह हो सकता है, इससे बड़ा जुर्म हो सकता है। इमाम ने फरमाया हाँ हो सकता है। कहा कौन सा गुना जो इससे भी बड़ा है। इमाम ने फरमाया खुदा की रहमत से मायूसी, अल्लाह की रहमत से मायूसी। अर्ज किया फरजंदे रसूल फिर बताएं मैं क्या करूं। कहा कि तुमने इरादतन कत्ल नहीं किया है, तुम्हारी तफ्तीश के दौरान वो मर गया, तो अब तुम उनके वरसा को खून बहा अदा करो और अपनी सलाहियत को इंसानों की खिदमत में सर्व करो, परवरदिगार तुम्हारा जुबरान करेगा, तुम्हें मुआफ कर देगा। इसके बाद भी अगरचे के इब्ने शुहाबे ज़ोहरी बनू उमैया का चीफ जस्टिस रहा और इमाम की इजाजत से इस ओहदे पर रहा, लेकिन इसके बावजूद अगरचे बनू उमैया का चीफ जस्टिस था लेकिन इमाम का गुलाम बन के रहा, इमाम का मुरीद बन के रहा, और इसके तमाम घर वाले भी इमाम के यूं आशिक थे कि जब इसके बेटे की शादी की नौबत आई तो अपने बाप से कहा कि चले मदीने चलते हैं और हम चल के सैयद सज्जाद से ये ख्वाहिश करते हैं कि वो भी हमारी शादी में शिरकत करें। बाप बेटा पहुंचे और इब्ने शुहाबे ज़ोहरी ने इमाम की बारगाह में अर्ज किया फरजंद रसूल मेरे बेटे की शादी है, इसकी ख्वाहिश है, आप शिरकत फरमाएं। इमाम ने फरमाया इब्ने शुहाब करबला के बाद हम आले मोहम्मद ने खुशियों में जाना छोड़ दिया, हमने खुशियों में जाना छोड़ दिया। ये सुना बेटे ने बाप के कान में कहा कि बाबा अगर इमाम ना आए मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुना तो इब्ने शुहाब ने इमाम को अर्ज किया कि मेरा बेटा ये कह रहा है। इमाम ने फरमाया अच्छा, अगर तुम्हारा बेटा अपनी शादी को मेरी शिरकत से मशरूत करार दे रहा है तो इसे बताओ, फिर मेरी भी एक शर्त है, अगर चाहता है कि मैं इसकी शादी में शिरकत के लिए आऊं तो फिर ऐसा करो कि अपनी शादी में एक मजलिस अज़ा बर्पा करना और उसमें एक मरसिया खान को बुलाना और उससे कहना कि वो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत बयान करे। अब देखिएगा कि कितना दर्द है अहले बैत के दिलों में अली अकबर की शहादत का। बदाहिर लगता है एक कि ये बर्ची और ये नेजा अली अकबर के सीने में लगा है, लेकिन हकीकतन ये आले मोहम्मद के सीनों से पार हो गया। इतना दुख है, इतना दर्द है। कौन है अली अकबर? मैंने सीरत की तारीख की किताबों में पढ़ा, इमाम हुसैन चराग लेकर आधी आधी रात को उठकर अली अकबर के सराहने खड़े होकर घंटों देखते रहते थे, अली अकबर का चेहरा देखते रहते थे, और कभी
जो अली अकबर की आंख खुलती थी तो घबरा कर उठ जाते थे और पूछते थे, बाबा आप जाग रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं? तो हुसैन फरमाते, अली अकबर मुझे आपकी मोहब्बत सोने नहीं देती है, मुझे आपकी मोहब्बत सोने नहीं देती है। सबसे मुश्किल विदा रोजे आशूर या हुसैन का है या अली अकबर का है। और जब अली अकबर को विदा करने लगे, इमाम हुसैन ने किसी दूसरे शहीद के लिए वो जुमले इस्तेमाल नहीं किए जो अली अकबर के लिए इस्तेमाल किए। इधर अली अकबर को रवाना किया, इधर अपनी दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा, दायां हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह को गवाह करार दिया और कहा, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार गवाह रहना, अब उस जवान को मैदान जंग की तरफ रवाना कर रहा हूं, कद अशबहुन्नास बिरसूलिल्लाह, तो पूरी कायनात में तेरे रसूल की सबसे बड़ी शबीह है। बास कहते हैं हम शक्ले पैगंबर ना, हुसैन बता रहे अली, अली अकबर सिर्फ हम शक्ले पैगंबर नहीं है, खलकन व खुलकन व मंतिका, जो किरदार में भी रसूल जैसा है, जो रफ्तार में भी रसूल जैसा है, जिसका जाहिर भी मोहम्मद जैसा है, जिसका बातिन भी मोहम्मद जैसा है। परवरदिगार तू जानता है, हमें जब भी अपने नाना की जियारत का शौक होता था, हम अली अकबर के चेहरे की जियारत करते थे और उसके बाद रवाना किया अली अकबर को। और ये कहा, ये जुमला किसी और शहीद के लिए हुसैन ने रोजे आशूर नहीं फरमाया, सिर्फ अली अकबर के लिए किया। कहा, या बुनैया महलन महला, बेटा अली अकबर जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना, और अली अकबर चलते हुए मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना। यहां तक के अली अकबर सवार हुए, चंद कदम उठाए या एक आवाज सुनी, अली अकबर ने मुड़ कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था, हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर। जल्दी से घोड़े से नीचे उतरे, पलट कर वापस आए, बाबा को उठाया, अर्ज किया, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर ये हाल क्यों है? ये नहीं कहा कि आपका जवान बेटा होता, ना, जवान बेटा होना और है। क्या कहा? कहा, ए अली अकबर, काश आपका आपके जैसा बेटा होता। बस अली अकबर रवाना हुए और ऐसी जंग की कि अली की जंग की याद ताज़ा कर दी। दुश्मन से जो भी मुबारजा तलब करते हैं, मुकाबले में बड़े बड़े पहलवान आते हैं, 180 दुश्मनों को कत्ल किया है और आप सब डर गए, सहम गए, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि जब कोई मुबारजा के बावजूद तलब मुबारजा तलब करने के बावजूद दुश्मन के लश्कर से कोई ना आया, तो एक मरतबा जनाब अली अकबर कुछ सोच कर चल पड़े, शायद जनाब की फूफी ज़ैनब की दुआ थी। मैंने मक्तल की किताबों में कि जब अली अकबर जिहाद के लिए गए और इमाम हुसैन की जो कैफियत थी उसको देखकर सानिया ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए और ये दुआ मांगी, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले खुदा, एक मर्तबा फिर से अली अकबर को अपने बाबा हुसैन से मिलवा दे। शायद इस दुआ का असर था। अली अकबर लौट कर आए, बाबा से मिले और फिर एक जुमला कहा, कहा बाबा ए काश दो घूंट पानी मिल जाए। बच्चे समझेंगे, जवान समझेंगे, इस जुमले ने कल्ब हुसैन पर क्या असर किया होगा। जब जनाब इमाम सज्जाद की विलादत हुई थी तो इमाम हुसैन ने आपको सफ़ेद पारचे में लपेट कर मेहराब इबादत में रखा था और ये कहा था कि मैं इस बच्चे को अल्लाह के रास्ते में नजर करता हूँ। तो अली आगे बढ़े थे, उठाया और कहा मैं इस बच्चे को अपनी तहवील में लेता हूँ। और फिर बराबर 2 साल से ज़्यादा इमाम सज्जाद की परवरिश तरबियत की। और जब अली अकबर दुनिया में आए, इमाम हुसैन ने दोबारा यही काम किया। अब की दफा सानिया ज़हरा आगे बढ़ी और कहा मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगी, मैं इसकी तरबियत करूंगी। यहां तक कि 18 साल सानिया ज़हरा ने जनाब अली अकबर की परवरिश की और इन 18 सालों में इमाम हुसैन ने कई मरतबा जनाब अली अकबर को बुलाकर कहा, बेटा अली अकबर मेरा जी चाहता है आप मुझसे कुछ मांगें, मैं आपको अता करूं। और अली अकबर हमेशा यही जवाब देते, बाबा मैं आपसे क्या मांगूं, मेरी फूफी ज़ैनब मेरी हर जरूरत को मेरे मांगने से पहले पूरा कर देती हैं। 18 सालों में हुसैन को हसरत रही, कभी अली अकबर मुझसे कुछ मांगे, कभी कुछ ना मांगा, आज जिंदगी में पहली मर्तबा 2 घूंट पानी मांग रहे। अब सोचिएगा कि कल्ब हुसैन पर क्या असर हुआ होगा। फरमाया अली अकबर अपनी जुबान मेरे दहन में रखें। अली अकबर ने अपनी जुबान बाबा के दहन में रखी, घबरा कर बाहर निकाल ली, कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे ज्यादा सख्त है, आप मुझसे ज्यादा खुश्क है। एक मरतबा फरमाया बेटा अली अकबर जाएं, आपके दादा अली दादी फातिमा ज़हरा हौज़े कौसर पर इंतजार कर रहे हैं। अब जो पलट कर गए, उमर इब्न साद ने ऐलान किया, अम्र बिन हज्जाज ज़ुबैदी जो मैमना का सरदार था, शिम्र इब्न
दिल जोशन जो मैसरा का सरदार था, सब सिपाहियों को शबस इब्ने रबी को एक एक को हसीन इब्ने नुमैर से कहा, सब जमा होकर यकबारगी हमला करो अली अकबर पर, अगर एक एक जाओगे तो लश्कर खत्म हो जाएगा। अब जो अली अकबर पलटे, चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़े, इसके बावजूद 3 दिन के प्यासे अली अकबर ऐसे जंग कर रहे हैं कि सर उड़ रहे हैं। यहां तक कि हुसैन इब्ने नुमैर ने देखा कि अली अकबर किसी की गिरफ्त में नहीं आ रहे। एक मरतबा इसने धोखे से यह जुमला कहा, ऐसी खूबसूरत जंग लड़ रहे हैं कि दाद शुजात देने का जी चाहता है, लेकिन क्या कहूं कि किसी ने आपके खेमों को आग लगा दी है, खयाम को आग लग चुकी है। जैसे ये सुना, मुड़कर खयाम की तरफ देखा, हसीन इब्ने नुमैर ने सनान इब्ने अनस से कहा, जल्दी करो। इस शकी ने एक नेजा मारा, इस तरह से नेजा मारा जो कल्बे अली अकबर को पार कर गया, और फिर तसल्ली हासिल करने के लिए कि कहीं हुसैन का बेटा बच ना जाए, मुझे मुआफ कीजिएगा, सख्त कलिमात हैं, इसने उसके दस्ते को घुमाना शुरू किया। और जो तीसरा काम किया, इसने उस नेजे के दस्ते को छोड़ दिया, नेजे की अनी सीने में रह गई। अब जीन पर झूल रहे हैं अली अकबर, यहां तक के किसी शकी ने पुश्त पे आके आपके सर अकदस पर ऐसा गोर्ज मारा, जिसके बाद खुद को जीने फरस पर न संभाल सके। इतने खुददार थे अली अकबर, खुद को जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपनी बाहें घोड़े की गले गर्दन में डाल दी, लेकिन जो सर से खून जारी हुआ वो आपके घोड़े की आंखों में जाना शुरू हुआ, जिसकी वजह से घोड़े को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बजाय खयाम की तरफ मुड़ने के वो दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़ता चला गया। और सैयद इब्ने ताऊस ने अपने मक्तल अल्लुहूफ में ये लिखा, फकतलूहु इरबन इरबा, जिसके हाथ में जो हथियार था अली अकबर के ऊपर यूं चलाया कि अली अकबर के जिस्म के टुकड़े कट कट के करबला की जमीन पर गिर, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े कट कट के करबला की जमीन पर गिर रहे थे। यहां तक कि जब जीन से जमीन पर आने लगे, आवाज बुलंद की, बाबा अपने बेटे अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। वो हुसैन जो 72 की लाशों पर तीर की तरह से पहुंचे थे, उस हुसैन को अली अकबर की लाश तक पहुंचने में बड़ी देर लग गई, इसलिए कि जब अली अकबर ने आवाज दी तो हुसैन कभी इधर गिरते हैं और कभी उधर गिरते हैं, और फरमाते हैं, बेटा अली अकबर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे आवाज दो ताकि मैं तुम्हारी आवाज के सहारे तुम्हारी लाश तक आ जाऊं। बड़ी मुश्किलों से पहुंचे, अल्लाह न करे कोई बाप अपने बेटे का वो हाल देखे जो हुसैन ने अली अकबर का देखा। एक हाथ सीने पर है, दूसरा हाथ जमीन पर है, एड़ियां रगड़ रहे। पूछा, बेटा क्या हुआ, सीने से हाथ क्यों नहीं उठा रहे? कहा, सनान इब्ने अनस ने नेजा मारा, उसकी अनी सीने में रह गई, आपको तकलीफ होगी इसलिए नहीं बता रहा था। बाबा मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, अगर आपके लिए मुश्किल ना हो तो नेजे की अनी को निकाल दीजिएगा। अली हुसैन इब्ने अली ने एक मरतबा अपना जानू खाके करबला में रखा है, एक हाथ सीने पर रखा, दूसरा हाथ नेजे की अनी पे रखा। अब जो खींचा, सिर्फ नेजे की अनी बाहर नहीं आई, अली अकबर का कलेजा भी साथ आ गया, और रूहे अली अकबर कफसे अंसरी से प्रवास कर गई, और हुसैन के जिस्म में भी जान नहीं है। मैंने पढ़ा मक्तल की किताबों में, कई मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अली अकबर की लाश नहीं उठाई जा रही है। यहां तक कि खयाम के दरवाजे से सानिए जहरा ये मंजर देख रही थी, और जब ये देखा कि हुसैन अली अकबर की लाश नहीं उठा पाएंगे, एक मर्तबा बनू हाशिम के बच्चों से कहा, छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, कहा जाओ इमाम वक्त की नुसरत करो। अब ये छोटे छोटे बच्चे तोड़ते हुए मैदान करबला में आए, वाह अलिया वाह मुहम्मदा वाह हुसैना की आवाजें बुलंद हुई, सब अली अकबर की लाश तक पहुंचे। बच्चों ने मिलकर अली अकबर की लाश को उठाया, और हुसैन हालत क्या है, अली अकबर की लाश के पीछे पीछे चल रहे हैं, हालत क्या है, अम्मामा गले में है, दोनों हाथों से मातम कर रहे हैं और ये नोहा पढ़ रहे हैं, या बुनैया अला दुनिया बादक अल आफा, बेटा अली अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक हो। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं मेरे अजीजों, ये तो अली अकबर के बाबा का हाल है, मां का क्या हाल होगा जब पहुंची है लाश जनाबे अली अकबर की। ऐसा कोहराम बरपा हुआ कि दुश्मन पलट पलट कर रो रहे थे, सारी बीबियां जमा हुई। कुछ वक्त गुजरने के बाद सानिए जहरा ने दाहिने बाने देखा, और देखने के बाद फरमाया, उम्मे फिजा मुझे उम्मे लैला नजर नहीं आ रही।
मुझे इस शहीद की माँ नजर नहीं आ रही है। शायद अभी तक उम्मे लैला को किसी ने बताया नहीं है कि अली अकबर की लाश आ चुकी है। जाओ फिजा, जाकर उम्मे लैला को बताओ तुम्हारे बेटे की लाश आ चुकी है। लेकिन जब फिजा पहुंची उस खेमे में जहां उम्मे लैला का कयाम था, तो क्या देखा, बीबी खेमे के अंदर दौड़ रही है, कभी एक तरफ गिर जाती है, कभी दूसरी तरफ गिर जाती है। फिजा ने हैरत से पूछा, अरे बीबी क्यों दौड़ रही है, क्या हुआ? जवाब दिया फिजा, अच्छा हुआ तू आ गई, अरे मैंने सुना है मेरे अली अकबर की लाश आई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी उंगली पकड़कर मुझे अली अकबर की लाश तक ले जा। मोमिनीन कराम, मुबदराने आले बैत, तशरीफ रखो। ए हन जनाबे किबला अली हुसैन मदनी साहब, हूँ जनाब दे सामने कारियल कसायद जाकर नौजवान जनाबे जाकर सुबहान मुख्तार आप सरगोदा एक खिताब फरमाइसन, और इन्हें बाद जाकर अल बैत सैयद।